हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम हिमांशु श्रीवास्तव, यू आर वॉचिंग हिमांशु द फूड विजार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। वेल, टुडेज वीडियो इज अबाउट पाश्चराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन, बिकॉज वेदर इन एनी इंटरव्यू और इन एनी कम्पिटिटिव एग्जाम और इफ़ यू आर अ रिसर्च स्कॉलर एंड अपेयरिंग फॉर योर फाइनल वाइवा, देन दिस टॉपिक इज ऑलवेज आस्ट। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेट्स बिगिन। ओके, सो लेट अस फर्स्ट सी हाउ क्वेश्चन कम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक। हीटिंग ऑफ फूड मटीरियल्स फॉर स्पेसिफिक टाइम दैट एलिमिनेट पैथोजन इज नोन एज पाश्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, कैनिंग और ब्लांचिंग। सो दिस इज द पैटर्न। ओके, सो वंस वी नो अबाउट पाश्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, वी आर एलिजिबल टू सॉल्व इट। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पाश्चराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन। Both are heat treatment process. Simply, both requires heating. Aim of pasteurization is to kill the pathogenic microorganisms. What are pathogenic microorganisms? Disease causing microorganisms are called pathogenic microorganisms. On the other hand, sterilization means elimination of all types of microorganisms. Here all types of microorganisms means pathogenic plus saprophytic microorganisms as well as their spores. Pasteurization usually requires temperature less than 100 degrees Celsius, whereas sterilization requires temperature above 100 degrees Celsius. Okay, so how can we define pasteurization? Pasteurization is a heat treatment process that kills the pathogenic microorganisms and usually requires temperature less than 100 degrees Celsius. About sterilization, the term sterilization refers to the heat treatment process that eliminates all types of microorganisms and usually requires temperature above 100 degrees Celsius. Okay, so एक बार फिर से समझते हैं pasteurization और sterilization क्या होता है। Pasteurization एक heat treatment process है जिसमें pathogenic microorganisms का elimination हो रहा है। Pathogenic microorganisms क्या हैं? Disease causing microorganisms are called pathogenic microorganisms. और पाश्चराइजेशन अपने ऑपरेशन के लिए लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज़ करता है। अगर बात करें स्टरलाइजेशन के बारे में तो वो भी एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, लेकिन उसमें हर टाइप्स के माइक्रोनाइजम्स का एलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हर टाइप्स के माइक्रोनाइजम्स मीन्स पैथोजेनिक प्लस सेप्रोफाइटिक एज वेल एज देयर स्पोर्स, और ये अपने ऑपरेशन के लिए ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज़ करता है। ओके, तो अगर बात करें पाश्चराइजेशन के कॉम्बिनेशन के बारे में तो ये दो फेज में होते हैं, 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए और 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड्स के लिए। स्टरलाइजेशन नॉर्मली 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे परफॉर्म किया जाता है 15 टू 30 मिनट्स के लिए एट अ प्रेशर ऑफ 15 PSI। ये टाइम टेम्परेचर दोनों वेरी कर सकते हैं। पाश्चराइजेशन के शेल्फ लाइफ के बारे में बात करें तो ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है एज कम्पेयर टू स्टरलाइजेशन, वेयर एज स्टरलाइजेशन की शेल्फ लाइफ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। यानी अब अपने रेफ्रिजरेटर में स्टरलाइज प्रोडक्ट्स को फॉर एटलीस्ट 1 week तक भी स्टोर कर सकते हैं। पाश्चराइजेशन 3 types के होते हैं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, लो टेम्परेचर लो टाइम और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पाश्चराइजेशन। और स्टरलाइजेशन 2 types में आते हैं, फिजिकल और केमिकल, जिसमें स्टरलाइजेशन विथ हीट, गैस स्टरलाइजेशन और कोल्ड स्टरलाइजेशन टाइप्स होते हैं। हाउ वी नो अबाउट द टॉपिक, वी आर एलिजिबल टू सॉल्व इट। सो द क्वेश्चन सेज,
हीटिंग ऑफ फूड मटेरियल्स फॉर ए स्पेसिफिक टाइम दैट एलिमिनेट पैथोजन इज नोन एज. सो पैथोजेनिक माइक्रोनाइजम्स आपके किस में होते हैं? सिंपल, पाश्चराइजेशन में. तो आपका आंसर हो गया पाश्चराइजेशन. एक सिंपल कीवर्ड की हेल्प से आपका आंसर फाइंड हो गया. सो कितना सिंपल है ये. सो एक क्वेश्चन स्टरलाइजेशन से भी देख लेते हैं. द टेम्परेचर एंड टाइम कॉम्बिनेशन फॉर स्टरलाइजेशन इज, ऑप्शंस आर 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 140 डिग्री सेल्सियस फॉर 14 मिनट्स, 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 17 मिनट्स एंड 200 डिग्री सेल्सियस फॉर 18 मिनट्स. तो ये अभी हम लोग ने पढ़ा है कि टेम्परेचर एंड टाइम कॉम्बिनेशन स्टरलाइजेशन का यूजली 121 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए परफॉर्म किया जाता है. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया.